अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है नेल पॉलिशेस के बारे में, और नेल पॉलिशेस जो है फंकी कलर्स जिस तरह ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह के कलर्स जब आप लगाएं तो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू नीड टू फॉलो। तो सबसे पहले तो ये कि ऐसी नेल पॉलिशेस जब हम लगाते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, दिस पिंक कलर हो गया, तो जब आप इसको उतारते हैं तो आपके जो नेल्स होते हैं उनके ऊपर कलर रह जाता है, ब्लू ब्लू हो जाएंगे, ऑरेंज ऑरेंज हो जाएंगे, या जिस तरह की आपकी भी नेल पॉलिश होगी तो उसका जो रेजिड्यू है वो बच जाता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला कलर ये मैंने ट्राई किया है, ये वाला कलर रिमल का, रेवलॉन का जो कलर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। और एक पे मैंने ये पिंक वाला कलर लगाया है, दिस वन बाय बॉर्जियस, दिस अ वेरी प्रिटी कलर। ये दो कलर मैंने लगाए हैं, और बीच में मैंने तीन नाखूनों पर ये पील ऑफ जो नेल पॉलिशेज आजकल मिल रही है मैंने वो लगाया है, ये सिल्वर कलर। इसका ये 50 रुपये की आपको मिल जाती है। तो ट्रिक इज़ दैट कि जब भी आपने कोई इस तरह के कलर लगाने हो, फंकी कलर्स लगाने हो, तो पहले आप नीचे जो है बेस कोट लगा लें, सो दैट आपके नेल पॉलिश का कलर उस पर ना आए। अगर आपके पास बेस कोट नहीं है और नेल रिमूवर भी नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फुल टाइम आप बैग में नेल रिमूवर नहीं रख सकते, आप कॉलेज जा रहे हो और आपको नमाज़ पढ़नी है या व्हाट्स एवर जो भी रीज़न है और आपको उतारना है, तो आप नीचे पील ऑफ का कोट लगाएं और उसके ऊपर आप कोई सा भी जो है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने नीचे पील ऑफ लगाया और उसके ऊपर मैं ये ब्लू कलर जो है इसकी नेल पॉलिश का कोट जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप इजीली उसको नेल पॉलिश को जब भी आप चाहें रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे से बेस कोट जो आपका पील ऑफ वाली नेल पॉलिश है आप उसको रिमूव करेंगे, तो ऊपर वाली जो आपकी नेल पॉलिश है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी विदाउट यूजिंग एनी नेल रिमूवर और विदाउट कॉजिंग एनी लेफ्ट ओवर। कोई भी कलर के बगैर आप इसको जो है वो हटा सकते हैं। सेकेंड ट्रिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मार्केट में बहुत से नेल रिमूवर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि नेल्स को ड्राई कर देते हैं। अभी जो टिशू होते हैं नेल रिमूवर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, दीज आर वेरी गुड। आप इसमें जो है वो एक पैकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टिशू जो हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, और आप इसको 50 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। बाड़ा वगैरह में या लोकल मार्केट में 50 रुपये का मिल जाता है, और अगर आप थोड़े बड़े स्टोर से लो तो वहाँ पे आपको 50 का 100 का मिल जाएगा। तो ये यूज़ करके आप जो हैं अपने जो नेल्स हैं वो ड्राई नहीं होते, ये ऑयली टाइप होता है, और उससे जो है वो नेल्स के ऊपर से जो है वो जो आपकी नेचुरल ऑयल होता है और जो शाइन होती है वो जाती नहीं है जब आप इसको यूज़ कर लेते हो। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ड्राई नहीं हुआ, जैसे ये मैंने जो पहले पील ऑफ लगाया है इसको अगर मैं आपको उतार के दिखाऊँ तो ये आप देखिए, यू जस्ट हैव टू लाइक डू दिस और आपका जो ये ईजीली ऊपर से उतर जाएगा। वैसे तो अब बेशुमार जो है वो पील ऑफ नेल पॉलिशेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो कि ओरिजिनल कलर आपकी दूसरी पॉलिशेस का होता है वो पील ऑफ का जो है वो नहीं होता। सो यू कैन सी कोई कलर जो है वो इसके ऊपर बाकी नहीं रहा। अभी ये थोड़ी गीली है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि जब इसको उतारेंगे तो यू कैन सी के कोई भी कलर जो है वो नाखून पे नीचे नहीं आता। अभी क्योंकि ये गीली थी थोड़ी, तो इस वजह से ये थोड़ा है, जब सूख जाए और आप इसको उतारें तो देर विल बी नो रेजिड्यू। सो दैट्स इट, यू कैन यूज़ एनी नेल पॉलिश एनी टाइम एंड यू कैन पील इट ऑफ इफ यू वांट टू डू योर, कोई भी मसला है से स्कूल्स में नेल पॉलिश नहीं लगा के जाने देते या कॉलेजेस में नहीं लगा के जाने देते, या अगर आपके ऑफिस में या कहीं भी आपको नमाज़ पढ़नी होती है और फिर आपको उतारने का मसला होता है, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।